नमस्कार फ्रेंड्स। तो सारे के सारे कैसे हो, सब बढ़िया हो? तो फ्रेंड्स, वापस पहुंच चुका हूं घर, और मेरे घर वाली ये फर्स्ट वीडियो है। जी हां, मैं अपने जो लाहौल पांगी किन्नौर वाले ट्रिप से वापस आ चुका हूं। तो उसका रीज़न याद रखना, पहले तो ऐसा था कि वो 90 डेज का ट्रिप था, बट हो चुका था लगभग 40 डेज का, और उसके बाद हमें कैंसिल करना पड़ा। तो आपने काफ़ी न्यूज़ सुनी होगी बाढ़ के बारे में, जो फ्लैश फ्लड आए हैं, तो उसके कारण हमें भी अपना जो ट्रिप है वो कैंसिल करना पड़ा। बट बिल्कुल कैंसिल नहीं करना पड़ा, अब हम उसको थोड़ा टाइम बाद से फिर से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि पता है आपको, लगभग जुलाई मंथ में हमने अपना ट्रिप स्टार्ट किया था पांगी वैली के लिए, और एंड हुआ हमारा लगभग आधे अगस्त में, लगभग 20 अगस्त के पास। तो यहाँ पे बता दूँ, जो वो टाइम था वो लगभग गर्मियों का था, मीन्स ज़्यादा टेम्परेचर डाउन नहीं पड़ता था, जिसके कारण मैंने गाड़ी की उस अकॉर्डिंग सर्विस नहीं करवाई थी। बट अब मैं बताऊंगा, जैसा कि आपको उसमें थंबनेल में दिख ही रहा होगा कि यू नो इट्स अबाउट कूलेंट। तो बेस्ट कूलेंट कैसे चूज़ करें, और कूलेंट को एक्चुअल में कैसे एक्सपेरिमेंट करें कि वो बेस्ट है या नहीं, तो ये वीडियो उसी के बारे में है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना। Please click on subscribe button and hit the bell icon for latest updates. तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बता दिया आपको, अब कूलेंट के बारे में बात होने वाली है, वो भी इसीलिए, और मैं क्यों स्पेशली बात करने वाला हूँ कूलेंट के, या फिर एक्सपेरिमेंट क्यों हो रहा है कूलेंट पे, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं लद्दाख। तो सोच लो, आप सितंबर में होंगे हम लद्दाख में, और अक्टूबर में भी हो सकते हैं लद्दाख में। तो जब टेम्परेचर इस टाइम लद्दाख का, याद रखना, बिलो ज़ीरो रहता है, ये नॉर्मल बात होती है लद्दाख के लिए, और अगर हम बारह लाचा से भी जाते हैं तो वहाँ पर भी काफ़ी टेम्परेचर कम रहता है। तो इस टाइम हमें बेस्ट कूलेंट चाहिए, और कूलेंट भी ऐसा जो यू नो माइनस में काम कर सके। तो सबसे बढ़िया क्या रहता है कि लोग क्या करते हैं कि यू नो दो कूलेंट डालते हैं, बाकी पानी डालते हैं, तो ऐसा नहीं करना। अगर आपके पास अच्छी कंपनी का कूलेंट हो तो आप उसके पीछे देख सकते हैं, वहाँ पे पूरा कूलेंट का डिस्क्रिप्शन दी जाती है कि आप कितने लीटर कूलेंट के साथ कितना लीटर पानी डाल सकते हैं। तो कुछ एक जो क्वेश्चन है वो बता दूँ, क्या आपको जेन्युइन कूलेंट डालना चाहिए? जी हाँ, जेन्युइन कूलेंट ही डालें, अदरवाइज यू नो आपका कूलेंट का खर्चा कम होगा, बट अगर गाड़ी उससे ख़राब हो जाती है, रेडिएटर ख़राब हो जाता है, और काफ़ी चीज़ें होती हैं जो उसके कारण गाड़ी दिक्कत भी कर सकती है, तो आपको बाद में महंगा पड़ सकता है। तो सबसे पहली बात है कौन सा कूलेंट डालें। आप TBS का कूलेंट डाल सकते हो, टोयोटा से डाल सकते हो, शेल का डाल सकते हो, कूलेंट लगभग अच्छे होते हैं। बट वही बात आज हम इस एक्सपेरिमेंट में करेंगे कि क्या वो सच में कूलेंट सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। आपको सर्दियों में कूलेंट अच्छा क्यों होना चाहिए? एक होगा जिसमें एंटी फ्रीज वाली क्वालिटी होंगी, जो आपका फ्रीज नहीं होगा। दूसरा, फ्रीज होने के चांसेस होते हैं लगभग 5-5 डिग्री या 0 डिग्री के नीचे वाले। तो आज जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं हम, वो करेंगे इस कूलेंट का। तो फ्रेंड्स, शायद आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, आई डोंट नो कितना अच्छा है कितना बुरा है, बट हमारे कुल्लू में और मनाली की बात करूं तो यही मिलता है बेस्ट वाला TVS का, और बोलते हैं कि यही कंपनी है जो कूलेंट बनाती है, और मैंने इसके रिव्यू भी पढ़े तो काफ़ी अच्छे हैं। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका क्या रिव्यू हैं या फिर ये कैसा है, हम एक्सपेरिमेंट करके ही इसकी हैसियत जानेंगे कि ये कितना अच्छा है। तो क्या लगता है फ्रेंड्स, हो पाएगा? तो याद रखना, ऐसा कुछ लिखा होता कूलेंट के पीछे। तो फ्रेंड, जो ये लिखा है, ये है कूलेंट 1, वाटर 1, और फ्रीज पॉइंट -36 डिग्री। तो उससे पहले मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि जो कंपनी वाले हमें रिकमेंड करते हैं कि टोटल 10 लीटर आपको कूलेंट डालना है, इसुजू वाले, तो बड़ा इंजन है तो वो कर भी सकते हैं ऐसी चीज़, तो वो प्योरे डालोगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट अगर आप इनके अकॉर्डिंग भी चलोगे तो वो भी बेटर रहेगा। वही चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये बेस्ट है? तो भाई, घर में सबके फ्रिज होता है, तो फ्रिज के टाइम पे ले जाऊंगा। और एक्सपेरिमेंट के लिए क्या चाहिए आपको? 2 गिलास चाहिए, 1 कप चाहिए, और फॉइल पेपर भी चाहिए। तो चलिए चलते हैं सीधा डायरेक्ट टूवर्ड्स अपने एक्सपेरिमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ लिखा है, अगर आपको -36 डिग्री तक चाहिए तो कूलेंट 1 डालना है, 1 लीटर, और वाटर भी 1 लीटर। और अगर आपको कूलेंट अगर आपको -16 डिग्री तक चाहिए तो 1 कूलेंट और 2 वाटर। और तीसरी बात है, अगर आपको कूलेंट 1 और वाटर 3 डालोगे तो -10 डिग्री तक वो
काम करेगा. मीन्स अगर वो -15 degrees हो जाता है तो आपका जो कूलेंट है वो फ्रीज हो सकता है और आपकी इंजन में दिक्कत आ सकती है. तो फ्रेंड्स ये आधे वाले और ये 1/3 है. और ये जो 1/3 वाला है तो इसके बाद जब ये फुल हो जाए तो उसके बाद कुछ नहीं करना है. ऐसा नहीं कोई बच्चा चॉकलेट समझ के पी जाए. तो फ्रेंड्स मैं जो ये एक्सपेरिमेंट इसलिए कर रहा हूँ और क्योंकि मैंने अभी डाला नहीं है, तो जो कंपनी वाले बोलते हैं वो 10 के 10 लीटर डालो अगर आपको -10 में जाना है, -15 में जाना है. और जो मेरा विश्वास है कि अगर इस पे लिखा है, इसके पीछे अगर आपको ये चीज़ें देखोगे तो -16 के लिए इतना जो भी है, तो बस एक्सपेरिमेंट करके पता लगेगा अब कितना कैसे अच्छा रहता है या नहीं. क्योंकि मेरे पास पूरा यहाँ पे 6 total 6 pieces ऐसे हैं, तो 6 liter है बट कंपनी वाले बोलते 10 liter. तो अगर मेरा इसमें काम चल जाता है, अगर -16 तक चलेगा, -20 तक चलेगा, तो फालतू में खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है. बट क्योंकि इसी की वजह से मुझे एक आइडिया हो रहा है कि तीसरे वाले में देखते हैं कि प्योर डालेंगे, सिर्फ प्योर, उसमें कोई यू नो मिक्स नहीं करेंगे. तो इस कप में याद रखना प्योर है, बस वो ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए कि मान लीजिए अगर ये 2 जम गए, ये 2 गिलास वाले जम गए, तो ये हो चुका है हमारे पास हाफ वाला जिसमें आधा पानी है, आधा आपका कूलेंट है, और ये है इसमें 1/3 2 भाग पानी के हैं और 1 जो भाग है वो कूलेंट का है. और ये कप तो ऐसे एक्सपेरिमेंट की पूरा ही है क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकता. और आपको भी ऐसे ही करना चाहिए क्योंकि टीवी में तो कई ऐड आती हैं यार, उनका क्या भरोसा. आपको खुद घर में बैठ के एक्सपेरिमेंट करना चाहिए वेदर दिस कूलेंट इज गुड फॉर माई व्हीकल और नॉट. क्योंकि वो लाखों की गाड़ियां हैं, अगर इन छोटी छोटी गलतियों से हमने कोई गलती कर ली तो सब बर्बाद हो जाएगा. तो चलिए अब इसके बाद जाना है सीधा फ्रिज की ओर और उसको रखना है और कल सुबह जादू देखना है कि क्या होता है. और यहाँ पे अभी फ्रीजर सेट नहीं हुआ है. ये हो गया है जो फ्रीजर की है हमारी -23 degrees Celsius. मिलते हैं सुबह और इसका आंसर आपको सुबह मिलता है वेदर दिस कूलेंट इज गुड और नॉट. तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग और अब जाके हम चेक करेंगे कि वो कूलेंट यू नो जमे या नहीं जमे. अगर नहीं जमते तो आई विल यूज इन माय ट्रक, अगर जम गए तो नहीं करेंगे, तो कोई और अच्छे वाला देखेंगे. तो चलो सीधा चलते हैं फ्रिज के पास वाला. तो सबसे पहले हम करेंगे कप चेक. कप नहीं जमा है, बिल्कुल वैसे ही लिक्विड है -23 में. ये वाला जो 1/2 मतलब आधा पानी और आधा. वाओ नो, ये भी नहीं जमा है. तो और अब निकालेंगे हम 1/3. ये देखिए सर, 1/3 जम चुका है. याद रखना 1/3 जम चुका है और पूरे वाला नहीं जमा और आधा वाला भी नहीं जमा है. जिसमें आधा पानी और आधा कूलेंट है वो लगभग -36 degrees तक सस्टेन कर सकता है. जो फ्रीजर की मेरी हाई रेंज थी वो -23, वहां तक बिल्कुल बढ़िया किया है और पूरा लिक्विड बचा है. जो 1:2 है, एक हिस्सा कूलेंट का और 2 हिस्से जो पानी वाला है, उसमें क्या है -16 degrees, तो वो सस्टेन नहीं कर पाया और वो जम चुका है. एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ है. अब जितने मेरे पास 6 pieces हैं और उसके साथ पानी मिक्स करके ही डालूंगा, कोई दिक्कत नहीं. तो आप भी डाल सकते हैं आंख बंद करके. हाँ अगर आप स्पीति जा रहे हैं, लद्दाख जा रहे हैं, वो भी इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, तो कई जगह माइनस में टेम्परेचर जाएगा और तब आपकी गाड़ी में दिक्कत आ सकती है. अगर आपके उस घटिया कंपनी का कूलेंट होगा या फिर आपके पास यू नो अच्छी कंपनी का कूलेंट होगा बट आपने पानी उसमें ज़्यादा डाला होगा तो भी प्रॉब्लम आएगी. और ज़्यादातर मैकेनिक भी क्या करते हैं कि आपका कूलेंट कम डलवाते हैं और पानी ज़्यादा डलवाते हैं. कई एक्चुअली उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि भाई हमें थोड़ा सस्ता करो सस्ता, तो यार अगर सस्ता जितना करोगे वो आपको बाद में महंगा पड़ जाएगा. और लद्दाख जाने से पहले थोड़ा सा नॉलेज इस चीज़ का रखें तो वो आपके लिए बेटर रहेगा. फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जाएँ और
वहाँ पे जाके अपने आप डाउट पूछ सकते हैं। तो याद रखना, कुछ भी आप अगली बार गाड़ी के लिए करते हो तो पहले एक्सपेरिमेंट करो। हमें बिना, जब तक हम अपनी आंखों से विश्वास नहीं करते, हमें विश्वास नहीं होता भाई। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एडवेंचर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।